ये बरुआ सागर झरना है, अभी पानी का लेवल कम है और ये कुछ इस तरीके से दिखता है और लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं आज का दिन। और ये सामने इस तरीके से दृश्य सुंदर का, और ये नीचे जाता हुआ काफ़ी सुंदर सा झरना है। ये मंदिर है और ये झरना जो है मंदिर के प्रांगण के पीछे की तरफ बना हुआ है। ये कुछ इसका दृश्य, आज हम बरुआ सागर के झरने आए हुए हैं और ये कुछ इस तरीके से दिखता है। आप इसका एक ओवरऑल व्यू देख सकते हैं और धूप काफ़ी तेज है, काफ़ी तेज धूप है और भूख भी लगने लगी है, तो हमने सोचा है क्यों ना कुछ खा पी के अपने पेट को शांति किया जाए। तो रहे पियेंगे क्या, आप ये बताइए। पीने के लिए बोतल रखी हुई है बिसलेरी की, जो मनीष सर ने हाल ही में परचेज की है, ये आप देख सकते हैं। ये हमारे आफाक सर पीछे, ये है कोई पुरुष, अच्छा जी अपने साथ है महापुरुष, अच्छा जी महापुरुष हमारे साथ ही है ब्लैक टी शर्ट वाले, ये हमारे सीए सर। सीए सर क्या खाया आपने, हवा खाई? अरे इतनी धूप में हवा खा रहे हो, कुछ और भी खा लेते। हमारे साथ बड़े होने के बाद हम छोटा कैसे खिला सकता है। अम्मा जल्दी सीए सर के कहने पे कुछ ना कुछ प्रबंध किया जाए। ये अम्मा है बेचारी जो हमें पेट को शांति दे रही है, और ये उसका झरने का ओवरव्यू ये देख सकते हैं। पीछे किसी जुदेव का किला है भी या नहीं कुछ नहीं कह सकते। जी घाट ये हमारे रेवेन्यू इंस्पेक्टर प्रणय पाठक और जो उनके सबऑर्डिनेट एकांश तिवारी। इस धूप में आनंद लेते हुए झरने से वापस जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सभी लोग काफी थक गए हैं क्योंकि आज बहुत ज्यादा गर्मी है, और अब हम इस बरुआ सागर झरने से वापस जाते हुए, अभी सब भूखे भी हैं तो सबके चेहरे उतर चुके हैं, पर एक ही इंसान बहुत पॉजिटिव वे में चल रहा है, वो देखिए वो है सीए प्रकाश हिरवानी। आप देख सकते हैं पेट भी काफी तना हुआ है और पेट भी बाहर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि भूख का कोई एहसास ही नहीं है। अब हम ऊंचा झरने से वापस जाते हुए और कुछ पेट पूजा कर ली जाए, दोपहर का भी समय हो गया है, लंच का टाइम भी है, और अभी हम देखते हैं हमें कौन सा ढाबा मिलता है, फिर हम उस ढाबे पर पता नहीं है कौन सा खाना है। देख हमारी टीम आगे जा रही है, ये आप देख सकते हो। मेरी रब से ये वेतवा नदी आप देख सकते हैं, और हम वेतवा नदी के पुल पर से क्रॉस कर रहे हैं वापस झांसी जाते हुए। झांसी के लिए एग्जिट है बट हम झांसी एग्जिट नहीं कर रहे हैं, हम नेचुरल एनएच वालों का एक नया ढाबा खुला है। अरे नहीं वहीं जाए, वो उधर खुलेगा, हाँ नीचे से जा सकते थे बट हम ऊपर से जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर बनाया हुआ है, लाइटिंग देख ली है, और ये ऊपर स्पीड लिमिट वाले कैमरे भी लगाए हुए हैं, ये आप कैमरा देख सकते हैं शानदार। ये हो रहा है झांसी कानपुर हाईवे जिसे हम ऊपर से क्रॉस करते हुए और वापस। गलत लाइन में चल रहा हो साला, मरेगा। और धूप में वीडियो प्रॉपर नहीं आ रही है,
ये आप देख सकते हैं, इन्हें डोरमेट्री भी बना रखी है और इनका ये वॉशरूम सेपरेट, लेडीज और जेंट वॉशरूम अलग अलग है और इनका खुद का पेट्रोल पंप है। ये एक्चुअल में NH जो हाईवे अथॉरिटी है उनने अपनी लैंड पर ये ढाबा बना रखा है, आप देख सकते हैं हाईवे ढाबा। धूप हमारे डायरेक्ट धूप कैमरे पे पड़ रही है, इसलिए थोड़ा सा विजिबिलिटी उतनी क्लियर नहीं होगी। और हम लोग अब वापस हाईवे रोड अंदर जाते हुए, ये कुछ इस तरीके से दिखता है और सामने ये रोड, और आप देख सकते हैं ये पेट्रोल पंप भी है और ये झांसी उरई कानपुर रोड जो सामने आगे की तरफ कानपुर जा रहा है और ये वापस हमारा झांसी है आप देख सकते हैं। और ये कुछ इसका ओवरव्यू बाहर से, काफ़ी सुंदर है और अभी लेटेस्ट हाल ही में ये बनाया गया है हाईवे ढाबा। ये कुछ इस तरीके से दिखता है। तो हम इस ढाबे में अंदर जाते हुए तंदूरी चाय, मैंने इसकी चाय पी थी, काफी टेस्टी चाय है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। हम चलते हैं इसके रेस्टोरेंट। ये हमारी खाने की थाली रेडी हो चुकी है, कुछ लोग तो टूट पड़े हैं। ये पापा जाते हुए हम लोग अपने घर की ओर। ये फैक्ट्री परीक्षा प्लांट, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, काफी बड़ा प्लांट है ये। और उस साइड नीचे परीक्षा कॉलोनी है और हम ये फ्लाईओवर बना हुआ है जो ओवर ब्रिज कह सकते हैं। ब्लॉग को यही खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही मजेदार वीडियो मिलते रहे। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, बाय बाय।